नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हूं आपके बीच रात्र की कुछ खास खबरों संग। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के बदायूं जिले से, जहां मंडला आयुक्त ने किया है औचक निरीक्षण। जी हां, बदायूं जिले में मंडला आयुक्त रणवीर प्रसाद ने जिलाधिकारी कुमार प्रशांत एवं मुख्य विकास अधिकारी निशा आनंद व अन्य अधिकारियों के साथ COVID-19 मलेरिया बाढ़ एवं संचारी रोग नियंत्रण की समीक्षा बैठक आयोजित की। COVID-19 की CDO मॉनिटरिंग करेंगी। सभी विभागों, दुकानों, संस्थाओं एवं मोहल्लों में COVID-19 के हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। DM कार्यालय में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि कोरोना काल में पूर्ण सावधानी बरती जाए। चिकित्सक अस्पतालों में COVID-19 की टेस्टिंग व उपचार के लिए आए लोगों से सकारात्मक व्यवहार करें। सर्विलांस एवं मोबाइल टीम स्क्रीनिंग व टेस्टिंग में तेजी लाएं। टीमें प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों में कार्यशील रहें। घर घर जाकर COVID-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के माध्यम से टेस्टिंग करते रहें। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेशन में भेजने की व्यवस्था की जाए। मंडलायुक्त कस्बा म्याओं में जिस जगह पर आए हुए थे उस जगह पर गंदगी का अंबार था, लेकिन मंडलायुक्त को दिखाई नहीं पड़ी। कस्बा म्याओं में गंदगी व जलभराव व सड़कों की स्थिति के लिए उन्होंने DPRO डॉक्टर सरणजीत कौर को निर्देश दिए कि ग्रामों में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। एंटी लार्वा का छिड़काव निरंतर होता रहे। ग्राम प्रधानों के माध्यमों से गाँव में स्वच्छता जागरूकता फैलाई जाए। आयुक्त ने जनपद में किए गए कार्यों पर संतोष जताया। उन्होंने शहर में भ्रमण कर अतिक्रमण एवं जलभराव की स्थिति का भी जायजा लिया। देखिए मऊ से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। ना ना, कहाँ चलने हैं? कौन? अरे क्यों तो पीछे चले, गाड़ी चलेंगे ले आओ, ये गाड़ी में क्यों फटते। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां मारपीट कर नगदी संग गहने छीनने का आरोप लगाया गया है। जी हां, जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के खुटहन बाजार में स्थानीय थाने के सामने आवास बनाकर रह रहे दो सगे भाइयों के बीच मकान पर आधिपत्य जमाने को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया, जब बड़े भाई के 4 पुत्रों व 3 अज्ञात लोगों ने मिलकर छोटे भाई की गृहस्थी का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आरोप है कि विरोध करने पर पत्नी और बच्चों की पिटाई कर गहने और नकदी भी लूट लिए। बात यह है कि उक्त आवास पुलिस थाने गेट के ठीक सामने है। बावजूद इसके लगभग घंटे भर तक आपस में मारपीट व सामान फेंकने को लेकर चीख चिल्लाहट मची रही, लेकिन पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगा। हमलावरों के हटते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़िता ने नामजद अपने 4 भतीजे सहित 7 लोगों के खिलाफ मारपीट और छिनैती का आरोप लगाकर तहरीर दिया है। देखिए खुटहन से शिवेंद्र यादव की रिपोर्ट। हाँ, कैसे, क्या मामला था? मामला ये था, हम घर में रहे, बाहर जाते रहे, तो लड़के और तीन आदमी लेके, अब आके हम बाहर जाते रहे, हमें ना पता रहा कि लोग आ जाएंगे इधर से आगे से, और पूरा जो है सामान पूरा निकाल बाहर फेंक दिए हैं। हमें लड़के अंदर सोत रहे, ऊपर हाथ पूरा छोड़ा, लड़का अंदर सब सोत रहा, निकाल के बाहर निकाल दिए हमें, अंदर आवा ना देते रहे। हम क्या, घर में कोई ना आदमी लोग, सब लोग कल से लोग थाने बंद कराए हैं, क्या आदमी ना आए, आदमी को आ जाए ना करना ही, कुछ ना जाने। कितने लोग थे? 4 लोग थे। आपको घर में नहीं आने दे रहे? ठीक है, ये सामान सब वही लोग फेंके हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।
अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां 5 से अधिक लोग इकट्ठे होने पर होगी कार्रवाई। जी हां, बदायूं जिले के थाना बिलसी के ग्राम रिसौली चौकी के हेड कांस्टेबल करतार सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से गांव में जाकर लोगों को भीड़ इकट्ठा करने से मना किया जा रहा है। नमाज के लिए सिर्फ 5 लोग ही प्रतीकात्मक रूप से नमाज अदा करेंगे। संभ्रांत लोगों से मिलकर सहयोग की अपील की गई है। देखिए रिसौली से संजीव कुमार तिवारी। नाम क्या था? मैं संजीव तिवारी, AI रिसौली। आज त्योहारों के मद्देनजर चौकी पहुंचा और पुलिस से तैयारियों का जायजा लिया कि इस समय त्योहार के मद्देनजर उनकी क्या तैयारी है। आप परिचय दें अपना। जी, हेड कांस्टेबल करतार सिंह, चौकी रिसौली, थाना बिलसी। धन्यवाद। तो अभी कल ईद है, फिर रक्षाबंधन है, तो इस संदर्भ में आपकी चौकी पर आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपकी क्या तैयारी है? पूर्ण तैयारियां हैं और सभी लोगों मुस्लिम समुदाय को हमने बता दिया गया है कि ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ेंगे और रक्षाबंधन की नज़र से रखते हुए हमारा सारी तैयारियां हैं और घूमते फिरते सभी लोगों को कह रहे हैं शांतिप्रिय अपना त्यौहार वाला। आपने कोई मीटिंग कहीं रखी क्या? हाँ, मीटिंग करके लोगों को अवगत कराया है। बात करते हैं राजस्थान के अलवर जिले से, जहां OP मीणा के विरुद्ध दिया गया है ज्ञापन। जी हां, राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ SDM कार्यालय में अलवर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लक्ष्मणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर OP मीणा के विरुद्ध उनके खराब व्यवहार को लेकर अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है तथा उनके गलत व्यवहार को लेकर कार्रवाई करते हुए उनके जिले से बाहर स्थानांतरण कराने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के दौरान भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ तहसील युवा अध्यक्ष राम नरेश यादव, उपाध्यक्ष हरपाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक जयमन, महासचिव अशोक सोनी, सचिव रमन यादव, कैलाश यादव एवं संगठन मंत्री यादराम नरेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी अरकन खान, प्रचार मंत्री रिंकू मौजूद रहे। देखिए अलवर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर भी राजस्थान के अलवर जिले से ही है, जहां जनता की अनदेखी करता है प्रशासन। जी हां, अलवर जिले में वार्ड नंबर 15 अशोका अलवर पानी की किल्लत से जूझ रहा है। अलवर प्रशासन को आम जनता बहुत समय से अवगत करा रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है कोई सुनवाई। आम लोगों की पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। देखें अलवर से संदीप कुमार यादव की रिपोर्ट। 18 मोलर अंदरून गली में पानी की किल्लत मची हुई है, ऊपर से लॉकडाउन हो गया, 7 से 11 का पानी आता नहीं, पीने का पानी है नहीं, बताओ कहाँ से पानी लेता है। प्रशासन इसे और कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन के सब JEA ने भार्गव जी, उनको रोजाना फ़ोन करते हैं, वो कह रहे आ जाएगा कल आ जाएगा, और एक नल खोलने वाला है राजेंद्र, वो कतई ही बिल्कुल ध्यान नहीं देता उसको, वो तो पैसों से नल खोलता है, जब उसको पैसे मिलेंगे वहाँ नल खोलेगा, उसने भी ऐसा सिस्टम बना रखा है। अब बताओ लॉकडाउन देखे पीने का पानी नहीं है, हमें पीने का पानी घर के लाना है या अपने पुलिस वालों से झगड़ा करना है, पानी तो भर के लाना ही पड़ेगा, नहाने का, धोने का, पीने का कुछ का पानी नहीं है। नहीं, इमरजेंसी सेवाओं के लिए जाने दे रहे हैं ना, इमरजेंसी सेवाओं की जाने दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब पानी हमारा आ जाए तो हम कौन जाए घर से बाहर इस बीमारी में, हम तो पानी लेने जाए साथ में बीमारी लेकर आए। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं नहीं जाएं क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।